जन जन की आवाज़ जीएन भारत में आपका स्वागत है। और जैसा हमने बताया, हम चाणक्य बीएनआर में मौजूद है, जहाँ पे द्रौपदी मुर्मू एनडीए प्रत्याशी आई थी, बैठक किया उन्होंने बीजेपी के सांसद और विधायकों के साथ। लेकिन एक शिकायत लेकर राजेश, जो कि राजभवन के समीप 3 महीनों से लगातार बैठे हुए हैं, हमने आपको पहले भी खबर दिखाई कि 2 बार नीट क्वालिफाइड है, उनको अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है। हमने बताया था कि उनको सफलता ये मिली है कि 1 लाख रुपये उनके अकाउंट में आए हैं, लेकिन इनका साफ तौर पर, आप देख सकते हैं वो नीचे बैठे हुए हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि मुझे पैसा नहीं बल्कि मुझे नियुक्ति चाहिए। मैंने पैसे के लिए, 1 लाख रुपए के लिए मैंने पढ़ाई नहीं की थी, एग्जाम नहीं क्वालिफाई किया है, बल्कि मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया है बच्चों को शिक्षा देने के लिए। प्रोफेसर बना मेरा सपना था, दिव्यांग था मैं, मैंने हौसला दिखाया, सरकार मुझे सहयोग करे। आज आप द्रौपदी मुर्मू से मिले, क्या कुछ कहा? मैं उनसे भेंट किया, उन्होंने बोले कि आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। उनके साथ श्री अर्जुन मुंडा मंत्री जी से थे और उन्होंने बोले कि आप एक आवेदन दीजिए, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। मैं सुबह से ही यहाँ बैठा हुआ था, मैं राजभवन के समक्ष 3 मई से लगातार धरना पर दिन रात बैठा हुआ हूँ, समस्या का समाधान वहाँ नहीं हो रहा था, तब मैं यहाँ आया और मैं सोचा कि यहाँ से समस्या का समाधान हो सकता है, किसी मंत्री से, किसी नेता से बात करके मेरा समस्या का समाधान हो सकता है, और मुझे उम्मीद है कि मेरा समस्या का समाधान होगा। मैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो भावी राष्ट्रपति हैं भारत के, उनसे मैंने भेंट किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि आपका समस्या का समाधान किया जाएगा। इसके बाद भी अगर नहीं होता है तो क्या कुछ करेंगे? यदि नहीं होता है तो मैं प्रयास जारी रखूंगा, मैं प्रयास जारी रखा हूं, बहुत दिनों से मैं संघर्ष कर रहा हूं, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिल पाया है। वैसे महामहिम की ओर से 1 लाख रुपया का मुझे मानवता के आधार पर राशि दिया गया है, लेकिन मेरा मांग है कि मुझे हटाया नहीं जाए यूनिवर्सिटी से। मैं 1 वर्ष से अधिक समय तक पढ़ाया हूँ और हटा दिया गया है, मैं चाहता हूँ कि वहाँ मुझे रखा जाए, मुझे हटाया नहीं जाए, मुझे रोजगार से बेदखल नहीं किया जाए, इसी मांग को लेकर मैं बैठा हुआ हूँ। बात बताइए, दिव्यांग होकर इस तरीके से आप यहाँ नीचे बैठे हुए हैं, इतना दिन से आपने मांगी, हौसला नहीं टूटा? नहीं, मेरा हौसला नहीं टूटा है, मुझे जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं तब तक बैठा रहूंगा धरना पर राजभवन के समक्ष, मैं 3 मई से लगातार बैठा हुआ हूँ। आश्वासन तो बहुत लोगों ने दिया है, आज भी आपको आश्वासन नहीं मिला है, क्या उम्मीद है आज? उम्मीद मुझे है कि मुझे न्याय मिलेगा और इसी उम्मीद को लेकर मैं अभी तक संघर्ष कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपने देखा कि इन्होंने कहा कि उम्मीद पर ही, कहते हैं ना उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, इन्हें उम्मीद है कि जरूर इन्हें न्याय मिलेगा। आपको बता दें 3 महीने से ये सड़क किनारे राजभवन के समीप बैठे हुए हैं और जो आता है इनको आश्वासन देकर ही चला जाता है, आश्वासन पे लगता है सरकार को अलग से आश्वासन मंत्री भी रखना चाहिए ताकि आश्वासन देने में थोड़ा सहूलियत हो जाए। लेकिन बात है कि सिर्फ आश्वासन से पेट नहीं भरता, आश्वासन से ज़िंदगी नहीं चलता, बल्कि एक कड़े निर्णय लेने की ज़रूरत होती है। और खासकर बस अगर बात झारखंड के शिक्षा क्षेत्र में है तो वहाँ पर जरूर, हमने आपको भी एक खबर भी दिखाया था कि जहाँ जगन्नाथ महतो ये कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, आप समझ रहे हैं, शिक्षा मंत्री को कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है कि झारखंड की शिक्षा व्यवस्था कहाँ जा रही है। ऐसी तमाम अपडेट के लिए बने रहे जीएन भारत के साथ, धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।